यस जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 7.11। ये क्या कह रहा है जी, फिगर दे रखी है, एक सीरीज एलसीआर सर्किट है, एल सी एज वेल एज आर, तीनों के तीनों आपस में कैसे लगे हुए भैया सीरीज में। एल 50 हेनरी, एल की वैल्यू इस बार हेनरी में दी है, तो एल इज इक्वल टू 50 हेनरी, सी 80 माइक्रोफेरेट, आर 40 ओम, वोल्टेज टोटल वोल्टेज 230 वोल्ट। कई पार्ट्स हैं बेटा इसके, फर्स्ट पार्ट में कहता है डिटरमाइन द सोर्स फ्रीक्वेंसी विच ड्राइव द सर्किट एट रेजोनेंस। फर्स्ट पार्ट बहुत इजी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, 1/2π अंडर रूट एल इंटू सी, एल दे रखा है 50, सी दे रखा है 80 माइक्रोफेरेट, माइक्रोफेरेट को फेरेट में कन्वर्ट करना होगा, सी की वैल्यू जब आप पुट करोगे इट विल बी 80 × 10⁻⁶। ओके जी, बाकी वैल्यू पुट करो, इसका आंसर आप इजीली अपने आप ऑब्टेन कर सकते हो, तो कोई खास बात नहीं है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी आपकी। ओके जी, तो इट कैन बी सॉल्व। अब आते हैं किस पे, बी पार्ट पे, ऑब्टेन द इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट एट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। बेटा जब रेजोनेंस हो रहा होगा, वी नो एट रेजोनेंस इम्पिडेंस बिकम्स इक्वल टू रेजिस्टर। इस पार्ट का आंसर सीधा है, रेजिस्टेंस है 40, तो एट रेजोनेंस इट विल बी इक्वल टू 40 ओम, बात खत्म। अगले पार्ट में पूछा गया है कि करंट भी चाहिए, ऑब्टेन द इंपेडेंस ऑफ द सर्किट एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट एट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अब देखो करंट का क्या मांगा, एम्पलीट्यूड मतलब उसकी पीक वैल्यू मांगी है, एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट एट रेजोनेंस, तो पीक वैल्यू मांगी है। करंट होता है वोल्टेज अपॉन इंपेडेंस, वोल्टेज भी कौन सी यूज कर लेंगे हम, पीक ही यूज कर लेंगे, तो डायरेक्ट पीक करंट आ जाएगा, नीचे आना चाहिए था जेड, लेकिन एट रेजोनेंस मांग रखा है, दैट मीन्स यहां पर आर ही आ जाएगा। रेजोनेंस पे जेड किसके इक्वल होता है, आर के इक्वल होता है। वैल्यू 230 वोल्ट दे रखी थी, अब हमने बोल रखा है जब वो वैल्यू देता है वोल्टेज की, वो हमेशा कौन सी देगा, आरएमएस ही देगा, अगर उसने पीक देनी होगी तो बोल रखा होगा, तो इस बार उसने 230 वोल्ट दी थी, दैट मीन्स ये जो 230 वोल्ट है इट इज़ द आरएमएस वैल्यू, यहाँ से हमें पीक वैल्यू निकालनी पड़ेगी, पहले इट विल बी 230 × √2, तो पीक की जगह पुट होगा 230 × √2, रेजिस्टेंस 40 है, इसको भी सॉल्व करना होगा, तो क्या आएगा आपका एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट आ जाएगा √2 × 230/40, ये आ रहा है जी आपका 8.3 एम्पियर, 13 एम्पियर, इट इज 8.13 एम्पियर। आंसर देखो बेटा जी, हम आपको डायरेक्ट लिखवा रहे हैं, वो अवेलेबल है हमारे पास, बट सॉल्व आपने अपने आप करके देख लेना, कैलकुलेट करके देख लेना, पता लग जाएगा कि भाई गलत तो नहीं करा रहे हम, तो इट विल बी 8.13 एम्पियर। तो ध्यान से, ए पार्ट हो गया अपना, बी पार्ट भी हो गया, अब आते हैं अगले पार्ट पर, सी। सी क्या कह रहा है जी, डिटरमाइन द आरएमएस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 3 एलिमेंट्स ऑफ द सर्किट। ओके, आरएमएस पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए 3 एलिमेंट्स के अक्रॉस। इस पार्ट को मिटा देते हैं, तो हो गया अपना। अब वो मांग रहा है सबके अक्रॉस वोल्टेज। ओके जी, अब जब सबके अक्रॉस वोल्टेज मांगेगा तो सिंपल सी स्टोरी, करंट जो आया था आरएमएस पोटेंशियल अक्रॉस एट रेजोनेंस ही मांगा होगा। डिटरमाइन द पोटेंशियल आरएमएस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 3 एलिमेंट्स ऑफ द सर्किट, शो दैट द पोटेंशियल ड्रॉप कॉम्बिनेशन इज 0 एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी।
ओके, रेजोनेंस पे हमने करंट निकाल लिया, कितना आ गया था 8.13 एम्पियर। ठीक है, रेजोनेंस पे हमने करंट निकाल लिया है 8.13 एम्पियर। ओके बेटा, तो आरएमएस करंट हमने निकाला था बेटा अभी अभी थोड़ी देर पहले, आई आरएमएस नहीं सॉरी पीक निकाला था 8.13 एम्पियर। यहाँ हमें आरएमएस करंट की जरूरत पड़ेगी, तो आरएमएस 8.13 डिवाइडेड बाय रूट टू एम्पियर हो जाएगा, राइट। अब उसने बोला तीनों के अक्रॉस वोल्टेज चाहिए, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, राइट। वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर I इंटू आर, इंडक्टर I इंटू XL एंड कैपेसिटर इट विल बी I इंटू XC। थोड़ी कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पर, I 8. RMS मांगा ना बेटा हमने पहले, लास्ट टाइम उसने पीक के लिए बोला था तो हमने पीक वैल्यू निकाल दी थी, लेकिन अब RMS वोल्टेजेस मांग रहा है तो करंट RMS ही यूज़ करना पड़ेगा ना, तो आरएमएस करंट है हमारा 8.13 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। ओके, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, आर से, आर कितना दे रखा था 40, ये बनेगा 8.13 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। यहां पे आएगा एक्सएल, एक्सएल होता है ओमेगा एल, ओमेगा यानी 2 इंटू पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट कर ली थी, ठीक है जी। तो जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट की थी वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, पुट हो जाएगी वट एवर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वॉज ऑब्टेन। ओके जी, ये पुट हो जाएगी इंटू एल, एल दे रखा था 50 हेनरी, तो यहाँ से आंसर आना 8.13 बाई रूट 2 इंटू 2 पाई न्यू नॉट इंटू 50। ओके, ये बनेगा 8.13 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 एक्स सी, एक्स सी की वैल्यू 1 बाय ओमेगा सी यानी 2 पाई न्यू नॉट इंटू सी, सी की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने 80 माइक्रोफेरेड, तो यहाँ पुट होगा 80 इंटू 10 की पावर माइनस 6। ओके जी, अब ये कैलकुलेशंस थोड़ी होंगी लंबी, अगर इनको कैलकुलेट कर लेते हैं तो अपने आप करके देखो। तो बेटा फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे ना फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़नी है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की, तो फर्स्ट पार्ट में जब हम डिटरमाइन द सोर्स फ्रीक्वेंसी मैंने बोला था कैलकुलेट कर लेना, तो यार वो कैलकुलेट कर कर आया था, उसकी जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आ गई थी दैट वाज 50 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा की वैल्यू कितनी आई थी 50 रेडियन पर सेकेंड। अब यहाँ पर ये चीज़ अवेलेबल है, ओके, इस पूरे पार्ट की जगह, इतने पार्ट की जगह क्या पुट कर देना 50 पुट कर देना, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आने वाला है, मैंने कैलकुलेटर से करके देख लिया, इट विल बी 1437.5 वोल्ट, 1437.5 वोल्ट। ओके, अपनी तसल्ली के लिए करना जरूर, ऐसे इसको भी कैलकुलेट करोगे, इस 2 पाई न्यूट पूरे की जगह क्या पुट कर दो, सीधे ही 50 पुट कर देना, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में वही कैलकुलेट की थी। ये भी कितना आ रहा है 1437.5 वोल्ट। ओके, अगर मैं रजिस्टर के अक्रॉस करूं तो ये आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 230 वोल्ट। अब बात क्या निकलती है कि जो टोटल वोल्टेज होती है, नेट वोल्टेज एलसीआर सर्किट की, उसका फार्मूला होता है नेट वोल्टेज का, नेट वोल्टेज आरएमएस जो होती है इट इज अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर, राइट। तो सी पार्ट में पहले तो उसने वैल्यूज निकालने के लिए बोला था, वो निकाल ली हमने, फिर इसने बोला शो दैट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एलसी कॉम्बिनेशन इज जीरो,
जो एलसी कॉम्बिनेशन का नेट वोल्टेज है, वीएल करंट से लीड कर रही होती है, ये अगर करंट होगा वीएल इस तरफ लीड ऊपर होती है लीडिंग, वीसी लैग कर रही होती है बिकॉज दोनों की दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, तो हमेशा ये माइनस ही होंगी। तो नेट वोल्टेज अक्रॉस सी एंड एल हमेशा क्या रहनी है, वीएल माइनस वीसी रहनी है, क्योंकि दोनों आपस में क्या आ चुकी हैं, इक्वली आ चुकी हैं 1437.5। देयरफॉर नेट वोल्टेज अक्रॉस एल एंड सी कॉम्बिनेशन कितनी आ गई, जीरो आ गई, बिकॉज दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं लेकिन फेस में बिल्कुल ऑपोजिट होने के कारण ये कट जाते हैं। तो इससे प्रूव होता है कि यस नेट वोल्टेज क्या रहेगी, जीरो रहेगी। तो करो नोट यार, लंबा चले गया क्वेश्चन, इसको कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था। अब आगे के कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही एडिशनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे, थोड़ी कैलकुलेशन लंबी लेंगे वो।